तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लेसन टू को कंप्लीट करेंगे। लेसन टू में ये अपर रॉ की जो है बात होगी, लेसन वन में ये होम रॉ की बात हुई थी, जहाँ पे कई सारे हिंदी के कैरेक्टर जो है आप इस फिंगर के ऊपर सीखें। ओके, सो अब हम लेटर जो है सीखेंगे, जो भी लेटर अपर रॉ से बिलोंग करते हैं वो लेसन टू में आएंगी। इसके बाद लेसन थर्ड को सीखेंगे, जो मेरी अगली वीडियो होगी वो लेसन थर्ड होगी लोअर रॉ के ऊपर। ओके, इसके बाद फिर से जो है लेसन फोर, लेसन फाइव एंड लेसन सिक्स होगी। लेसन फोर अगेन होम रॉ के ऊपर, लेसन फाइव अगेन अपर रॉ के ऊपर, लेसन सिक्स अगेन लोअर रॉ के ऊपर होगी, जो कि जहां पे आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो यहां पे देखिए कि अब हम लेसन टू को अपर रॉ पे कैसे कंप्लीट करेंगे। आपका होम पोजिशन हिंदी टाइपिंग में जो लेसन वन में बताया था वही होम पोजिशन यहां पे होना चाहिए, जहां पे जे और एच जो है आपकी मिस रहेगी, यानी यहां पे आपको फिंगर नहीं रखने हैं और यहां पे ए पे जो है फिंगर आपको नहीं रखने हैं। ओके, जब आप होम पोजिशन पे अपने फिंगर को एडजस्ट कर लेते हैं तो होम जो अपर रो है ये हमारा जो है सेकंड लेसन है, जिसमें हम यहां पे जो आपका साइड फिंगर है, कंगुलियां उंगली जो आप इसको बोलते हैं, तो इसी जो कंगुलियां फिंगर है यहां से आप दोनों बटन को प्रेस करेंगे साइड वाली फिंगर से, यानी हर्षुकार दुर्घुकार। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो प्रेस टाइप हुई है इस पे मत जाएं। ओके, सो हर्षुकार दुर्घुकार दोनों इसी फिंगर से होंगी, साइड वाली फिंगर से। दूसरे उंगली से होंगी म, तीसरे फिंगर से आपको चलाने हैं त, चौथे फिंगर से चलाने हैं ज, और इसी फिंगर से आपको चलाने हैं ल। फिर स्पेस लेने हैं आपको अंगूठा से, फिर राइट हैंड साइड के साइड वाली फिंगर से आपको चलाने हैं ये वाली जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, ये चलाने हैं आधा ख, दूसरा फिंगर से च, तीसरे फिंगर से व, चौथे फिंगर से प, और इसी फिंगर से न। ओके, इंटर की प्रेस करेंगे, हर्षुकार दुर्घुकार दोनों ही इस साइड वाले फिंगर से, दूसरा फिंगर से म, तीसरा फिंगर से त, चौथे फिंगर से ज, और इसी चौथे फिंगर से ल, स्पेस आधा ख, च, व, प, और राइट साइड से ही इस वाले चौथे फिंगर से न। अगेन देखिए, हर्षुकार दुर्घुकार म, त, ज, ल, स्पेस आधा ख, च, व, प, न। ओके, तो यहाँ पे आपको मत जल और खच्चुपन जो आप बोल सकते हैं एक वर्ड जो है जनरेट हो रही है। ओके, और यहाँ पे जो है नोट पैड में मैं आपको सिखाया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट पैड में ही इस हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग के लेटर को हर फिंगर पे जो है याद करें, यानी लेसन को कंप्लीट करें। अब मैं आपको अगर मैं एमएस वर्ड में ले चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश फॉन्ट आ रही है, तो यहाँ पे हम होम पे जाएंगे और जैसा कि जो इंग्लिश फॉन्ट है आपको यहाँ पे हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेने हैं, जैसे क्रुतिदेव या कुंडली, डेवलेश, मंगल, कनिका, अशोका, ये बहुत सारे ऐसे फॉन्ट हैं जो हिंदी के पॉपुलर फॉन्ट हैं, अंकित भी आती है उसमें। ओके, सो यहाँ पे अब हम जाएंगे और फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे, जैसे 22 साइज पे करते हैं इसे। ओके, और यहाँ पे देखिए जो साइड जो हमारा फिंगर है वो फिर से होम पोजीशन पे रहेंगी और यहाँ पे चलाने हैं आपको, देखिए हर्षुकार दुर्घुकार म, त, ज, ल, स्पेस आधा ख, च, व, प, न, स्पेस। इस तरह से दोस्तों जो है एमएस वर्ड में भी आप देख सकते हैं कि रेड कलर से जो है अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो हमारी हिंदी टाइपिंग है वो गलत हुई है, नहीं, क्योंकि इंग्लिश में काम करती है एमएस वर्ड, तो समटाइम्स आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक के कारण जो है वर्ड ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती रहती है कि क्या वो स्पेलिंग सही है, क्या वो ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, क्या वो फॉर्मेट एरर तो नहीं है। तो इस तरह से जो है कभी कभी आप हिंदी टाइपिंग जब आप करेंगे तो वहां पे आपको टाइप कर रहे हैं कुछ और जो टाइप जो कर रहे हैं वो टाइप भी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली किसी अदर कैरेक्टर में चेंज हो जा रही है, तो आपको वहां पे कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करने हैं। ओके, कंट्रोल जेड से रिवर्ट कर लेने हैं, जो कैरेक्टर आप प्रेस किए थे वही कैरेक्टर जो है वहां पे टाइप करवाने हैं इसके लिए। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिक कभी कभी जो है ऑटो करेक्ट इनेबल होने के कारण वो अदर कैरेक्टर में जो है चेंज हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, हर्षुकार दुर्घुकार म, त, चौथे फिंगर से ज, इसी फिंगर से ल, स्पेस राइट हैंड साइड से आधा ख, दूसरे फिंगर से च, तीसरे फिंगर से व, चौथे फिंगर से प, और इसी फिंगर से न,
ओके। तो इसी तरह से दोस्तों आपको एमएस वर्ड या नोटपैड किसी एक में आप जो है लेटर को अपने फिंगर पे याद करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वर्ड इसलिए दिखा रहा था कि आप इस एरर को देख पाए। कभी कभी कंट्रोल जेड का जो है आपका इस्तेमाल होना पड़ सकता है, तो वो आपको खासा ध्यान रखना होगा एमएस वर्ड में। तो हालांकि जो टाइपिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रूति देव या मंगल फॉन्ट या डेवलिश फॉन्ट में जो है होती है, और हालांकि जो डेवलिश फॉन्ट है वो संस्कृत हिंदी टाइपिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो जनरली जो टाइपिंग होती है वो क्रूतिदेव या मंगल फॉन्ट में जो है उसको लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लेसन को नोटपैड में कंप्लीट करें। ओके, जब आपका लेटर इस फिंगर पे याद हो गया तो आपको नेक्स्ट टास्क जो आप लेसन वन में किए थे लेटर को याद करने के बाद वर्ड बनाए थे इस होम रो के कॉम्बिनेशन से, तो अब आपको वर्ड बनाने हैं ये होम रो एंड अपर रो के कॉम्बिनेशन से। ओके, केवल और केवल होम रो एंड अपर रो के कॉम्बिनेशन से आपको वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे हम बताए थे कि सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेने हैं। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को आपको लॉन्च करने हैं। यहाँ पे देखिए जो है हम यहाँ पे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को लॉन्च किए। और आपको जो है यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करने हैं, क्योंकि आप हिंदी में जाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दें, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और जैसा कि पिछले क्लास में आप टॉपिक नंबर 3 को जो है प्रैक्टिस किए थे होम रो वर्ड प्रैक्टिस, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 पे आने हैं, होम एंड अपर रो वर्ड प्रैक्टिस। यानी टॉपिक नंबर 5 होम रो एंड अपर रो के कॉम्बिनेशन से वर्ड है जिसे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितने देर के लिए आप करना चाहते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे चलाऊं जल, तो ज ल जल, त ल तल, व न वन। अब देखिए जय और य इस होम पोजीशन पे आ रही है, यानी होम रॉ पे आ रही है यहाँ पे। ओके, य जय, ओके, म त मत, तज तन मन, ओके, पल, ओके, नल, कल, कल देखिए होम रो और अपर लो के कॉम्बिनेशन से है कल। लय देखिए लय, सच होम रो अपर रो, मून म, ह्रस्वकार दीर्घकार और न मून, चुन मुनचुन, तिलक हर्तिकार, त ल क तिलक, म आकार, य आकार, माया, सुर, कुल, सुन्ना। तो इस तरह से आपको अपने फिंगर के द्वारा होम रो एंड अपर रो के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाने हैं। जब ये एक बार वर्ड बना लें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 15 से 20 बार आप इस सारे सेंटेंस को बनाएं, सारे जो ये वर्ड लिखे हुए हैं 15 से 20 बार आप इसकी प्रैक्टिस करें कम से कम, तब जाके जो है आपका जो फिंगर है ये होम रो एंड अपर रो के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पाएगी और फिंगर की जो मूवमेंट है वो एडजस्ट हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आपको आगे लेसन जो वीडियो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक कर आप ये नेक्स्ट वीडियो को जरूर सीखिए कि मैं वहाँ पे लोअर रॉ को कैसे आपको जो है चलाने हैं और उसमें कौन कौन से लेटर हैं हिंदी के। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं लोअर रॉ लेसन नंबर 3 हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के। थैंक यू।